आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शमीम अहमद साहब, जो कि ठाठी कॉन्स्टिट्यूंसी से, जिनने डीडीसी इंतखाबात का इलेक्शन लड़ा था। अभी जो है ये सेकंड नंबर पर आए हैं, रनर अप कैंडिडेट हैं। तो आज जो है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर हम पूछना चाहेंगे कि किस मुद्दे पर है। जी अंदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आप यहाँ आए। मैं सबसे पहले अपने पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब, अपने जनरल सेक्रेटरी सागर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनने मुझे इस काबिल समझा, मुझे मैंडेट दिया। इसके बाद मैं अपने लोगों का, अपने पंचायत फगसू, जंगलवाड़, डाडी काठवा, नांदना, अपर ठाठरी, ये जोड़ा खुरद, जोड़ा कलां, हलारन, जिया, बटोली, तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत वोट और सपोर्ट किया। और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि यानी कोई भी रंग व नस्ल दूर रख कर इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं इसके लिए इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं फिर इनके घरों में जाऊँगा, इनका शुक्रिया अदा करूँगा। सर, आपको क्या लगता है अभी जो आप सेकंड नंबर पर आए हैं, तो क्या वजह, क्या फैक्टर रहा इसके पीछे? अंदर जी, जो ये क्वेश्चन आपने पूछा, ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि हम क्यों पीछे रहे इस इलेक्शन में। हमें ऐसा मालूम नहीं था कि कांग्रेस, जो यहाँ 20 साल से राज कर रही थी, गुलाम सुरी साहब, जिन्होंने यहाँ 20 साल हमारे लोगों को वोट लिया और उन्हें बहुत बड़ी साजिश की। जबकि टेलीफोन पे उनसे बात हुई मेरी, उन्हें बार बार कहा कि नहीं, हम आपस में मुफाहमत करेंगे, हम आपस में सलाह समझौता करके करेंगे, लेकिन आखिर में उन्होंने बीजेपी से कुछ ऐसे अपने हालात बना करके हमें धोखा दिया, हमारे लोगों को धोखा दिया। जबकि मैंने उनको कहा था, ग्राउंड पर तुम्हारे हालात नहीं, हमारे अलायंस हैं, हमारे ऊपर से पार्टी लीडरशिप का कहना है कि हम आपस में मुफाहमत करके एक कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, लेकिन लास्ट में उन्होंने एक साजिश बना करके एक कैंडिडेट उठा करके बीजेपी के हवाले हमारी सीट को किया, और हमारे लोगों को उन्होंने बहुत पीछे कर दिया। इसका हिसाब उनको चुकाना होगा। सर, आखिर में पूछना चाहूँगा कि आपका फर्दर प्लान क्या है और लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? इंशाल्लाह, आपको मालूम है कि बहुत बड़ा मैंडेट मुझे लोगों ने दिया है, मेरे पार्टी को बहुत बड़ा मैंडेट दिया, 3100 वोट मेरे पार्टी को दिया है। जबकि मेरे कंपेन में जेएम सुरुड़ी जोड़ा में आए, उनका बेटा शारुख सुरुड़ी यहाँ पे खटासू वगैरह एरिया में आए, और नाज साहब का बेटा भी मेरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आया, और दलीप जी, बीजेपी के सारे वर्क लीडर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, और उन्होंने बहुत वोटों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन वोटों ने फिर भी मुझ पे और मेरी पार्टी पे भरोसा करके मुझे बहुत अच्छा मैंडेट दिया है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मैं लोगों के साथ फिर जाऊंगा, और मेरा मिशन जारी रहेगा, और मैं लोगों के बीच में रहूंगा, और आगे का जो भी इलेक्शन होगा इंशाल्लाह पूरे जोर शोर से मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा।